तो दोस्तों अभी जो है अंधेरा होने लगा था तो हमने सोचा काम का चेंज करते हैं और माल वगैरह भी नहीं, तो सुबह बजरी लेकर आएंगे फिर काम स्टार्ट करेंगे दोबारा। चलो अभी हम जा रहे हैं। ये कौन उठाएगा भाई? हमारी दिहाड़ी दे दो। दिहाड़ी नहीं मिलती इस काम में। दिहाड़ी चाहिए भाई, हमें नहीं पता वरना तोड़ देंगे। इसको तो ले। तो दोस्तों इस कबूतर का भी इलाज चल रहा है, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है कि इसको बाज ने फटा हुआ है। हमारे हसन भाई ने दिया है, भाई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है हसन, उसको पता नहीं था मगर हमने तहकीकात करी है। पर गिराया, मैंने हाथ में पकड़ा इसको, जैसे ही पानी पिलाया तो इसने निकाल दिया पोटे के यहाँ से। अभी हमने इसको पॉलीफेक्स ट्यूब लगा दी है, टाँके वगैरह नहीं लगाए, ज़्यादा सुराख नहीं था, तो अभी इसको दवाई वगैरह देंगे। इसकी कंप्लीट वीडियो है, आप ज़रूर देखना हमारे चैनल पे। दोस्तों हमारा दूसरा दिन है, अभी मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ। ये दोस्तों हमारे से एक गलती हो गई कैमरा सेट करते हुए। कैमरा तो हमने सेट कर लिया था और फुल हमने जो ऊपर चौके लगाए वो पूरे नहीं आ सके, वीडियो कट हो गई थी दोस्तों। ये टंकी पे हम कैमरा सेट कर रहे थे इस वजह से। तो आपको अभी हम फुल केज बना हुआ दिखा देते हैं कि कैसे बन चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैमरा सेट हो चुका है हमारा मगर गलती हो गई थी दोस्तों। ये देखो, ये चौके इस तरीके से हमारी छत पे लग चुके थे। उसके बाद जैसे नीचे वाले पोर्शन के आपको दिखाया है, ऊपर वाले में भी ऐसा का ऐसा बिल्कुल सेम प्लास्टर मार दिया था थोड़ा बहुत। जो है फुल केज जो है हमारा तैयार हो चुका है, वो दिखाते हैं हम आपको फाइनली दोस्तों। तो अभी 4 खुड्डे जो हैं तैयार हो चुके हैं, इनके अब गेट लगना बाकी हैं बस। छत पे भी माशाल्लाह खूबसूरत बना दी है छत भी, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं पिंजरे। अब बस इसके ऊपर गेट लगना बाकी है और थोड़ा सा प्लास्टर कर देंगे हम इसके ऊपर। बाकी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। फिर ये पूरा करने के बाद छत की सफाई वगैरह भी होगी। छत क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इधर मलबा इधर मलबा, इधर बाल्टियाँ ये वो सब सामान पड़ा है। और अभी हम जो है गेट के लिए सुराख कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं। तो दोस्तों सुराख जो हो चुके थे। अब जो टाइम था गेट लगाने का, गेट लगाते वक्त तुम्हारे को कैमरा सेट नहीं कर पाए हम, तो इस वजह से साकिब भाई ने दरवाजे ठोक रहे थे, मैं जो है दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, इस वजह से आपको दिखा नहीं सके। दोस्तों 3 गेट लग चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गेट लगने के बाद। अब इसके बाद चौथा गेट जो खराब हो चुका है उसको बनवा के लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों अभी मगरिब का टाइम है, साकिब भाई जो है कलर कर रहे हैं हमारे मास्टर केज पे, जो भी बोल सकते हैं, अभी नाम नहीं दिया है हमने। और काफ़ी सारे जो है नए परिंदे आ चुके हैं, वो मैं दिखाए नहीं है वीडियोस में। इंशाल्लाह दोबारा से वीडियो रेगुलर बनाएंगे और आपको सारे परिंदे दिखाऊंगा मैं एक वीडियो में इंशाल्लाह। अभी आपको एक कबूतर नज़र आ रहा होगा खूबसूरत सा, इसको भी मैं तसल्ली से दिखाऊंगा, अभी जो है नहीं दिखा रहा, अभी साकिब भाई कलर कर रहे हैं। ये देखें ब्लू कलर, ये इधर भी हो रहा है कब्ज़ों पे। तो फाइनली दोस्तों कलर जो है हो चुका था। अब जो बारी है हमारे पिंजरे पे नाम लिखने की। दोस्तों साकिब भाई लिख रहे हैं नाम अभी हमारे चैनल का, हमारे छोटे से केज पर। ये थोड़ा बड़ा हो चुका है साकिब भाई से। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो केज है तैयार हो चुका है पूरा। काफ़ी दिन हो चुके हैं हमारे केज को। अब हमने कलर भी कर दिया, अपने चैनल का नाम भी लिख दिया। अब हम आपको दिखाते हैं, दिखा दें साकिब भाई? दिखा दो। तो आ जाए दोस्तों, ये देखें हमारा केज, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपने कमेंट में भी बताना है कि हमारा केज कैसा लग रहा है। हमने अपनी मेहनत से, आपने देखा ही होगा पिछली वीडियोस में, हमने अपनी मेहनत से बनाया। ये कोई मजदूर कोई मिस्त्री नहीं था, हम दोनों भाई थे। तो ये फाइनली केज तैयार हुआ है। अभी हमने इसके अंदर मुर्गा मुर्गी भी बंद करे हुए हैं। तो मुर्गा मुर्गी और बहुत सारे परिंदे हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं इसका शौक अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा। आज की वीडियो ये थी, ये देखिए इस तरीके से हमने अपने चैनल का नाम लिखा है। घर में शौक उर्दू में भी लिख दिया साकिब भाई ने, और नीचे वाला भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेम टू सेम ऐसे ही नाम लिखा है हमने। कमेंट में दोस्तों लाजमी बताना हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना, हमारे चैनल को घर में शौक को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।